मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। ये माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, इस कीर्तन में बैठे हैं, बाबा के चरणों में बैठे हैं, ये उनकी उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो एक बार अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए पूरे पूरे हाथ उठाइएगा, एकदम सीधे सीधे, और ताली बजा के कहना, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, अरे मात पिता गुरु प्रभु चरणों बजाओ, पूरे पूरे हाथ उठा के ये ताली, पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर
जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार हम पर किया जो हमको संसार सागर के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, सत्कर्मों पर चलने की राह दिखाते हैं, ऐसे गुरुवर को हम शत शत प्रणाम करते हैं। आप में से कितने लोगों ने गुरु बनाए हैं एक बार हाथ उठा के बताइए, ये बात। और जिन्होंने नहीं बनाए वो भी हाथ उठाइए, क्योंकि इंसान का सबसे पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं, अपने माता पिता के। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि जीवन में अगर आपने गुरु नहीं बनाए तो मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए गुरु जरूर बनाइए अपने जीवन, चाहे अपने माता पिता को ही बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए, दोनों हाथ खोलिए। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया, अंधकार सब दूर हटाया, अंधकार सब दूर हटाया, हृदय में भक्ति का दीप जला कर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो, बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो, कितने बड़े हैं उदार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद यो बताया, गुरु की कृपा हुई तब भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिला, और जब भगवान की तक पहुंचे, भगवान ने बनाया इंसान को 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिला, ये प्रभु की कृपा। तो प्रभु की कृपा से हमको क्या मिला सुनिए, प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उद्धार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। एक लाइन भक्त बोलेंगे, सिर्फ हम पर किया बड़ा उपकार, ये लाइन आपको बोलनी एक बार। मैं मेरे गुरु के लिए गा रही हूँ, आप अपने अपने गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, वो हम पर किया बड़ा उपकार। अरे मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। आइए वंदना को पूरा करते हैं, पूरे पूरे हाथ उठाइए, एकदम सीधे सीधे, एक साथ सीधे हाथ उठाना, हाथ किसी का भी नीचे नहीं दरबार में, और मिलकर कहना जय गुरु देवा बोलो, जय गुरु देवा बोलो, जय गुरु देवा, जय गुरु देवा बोलो, जय गुरु देवा बोलो, जय गुरु देवा, जय गुरु देवा बोलो, जय गुरु देवा, जय गुरु देवा बोलो, जय गुरु देवा।
की दे दो सेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, हर जय गुरु देवा बोलो, जय गुरु देवा, जब गर्भ में था तब देता था, जब जन्म लिया तब देता। बोलिए गुरुवर भगवान की। प्रमोद जी आपके 45 मेंबरों की टीम कहाँ है, उसको बुलाओ। अब तो मैं उन्हीं को सुनाऊं, ये वाली तो, ये तो टीम वालों के बच्चे होंगे। हाँ, टीम वालों को बुलाओ, पूरे 45 होने चाहिए। यहाँ पर बुलाओ, आप यहाँ बिठाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए मिलकर हाजिरी लगाइएगा कि मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। ये माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, इस कीर्तन में बैठे हैं, बाबा के चरणों में बैठे हैं, ये उनकी उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो एक बार अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए पूरे पूरे हाथ उठाइएगा, एकदम सीधे सीधे, और ताली बजा के कहना।